देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। आध्यात्मिक कला मंदिर का हुआ उद्घाटन। देवी दुर्गा का स्थान माने जाने वाले धार्मिक स्थल विंध्याचल में अब बहेगी आध्यात्मिकता की गंगा। जी हाँ, दरअसल यूपी के विंध्याचल में नवनिर्मित शिव शक्ति आध्यात्मिक कला मंदिर एवं 3D शो का हाल ही में भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र, अयोध्या से मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज जी, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा समेत हजारों बीके सदस्य एवं स्थानीय लोग इस अद्भुत अवसर का गवाह बने। अपने उद्बोधन में बीके जयंती दीदी ने कहा कि इस कला मंदिर में प्रवेश करके लोगों को आंतरिक सत्य का बोध होगा। वही सत्येंद्र दास जी महाराज ने संस्था द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवाहक रूप में वैश्विक रूप से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आज जो ये उद्घाटन रहा संग्रहालय का, उसमें मैं समझती हूँ कि जो भी यहाँ प्रवेश करेंगे उनको अवश्य ही स्वयं की पहचान, और मैं कहती हूँ कि सबसे अधिक यही बात है, जो भी यहाँ इस संग्रहालय में आएंगे अवश्य ही ये दो बातें समझ करके वो अपने जीवन में धारण करके जाएंगे तो उनों के जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आ सकता, जिससे उनों की कर्म की गति अथवा कृति और उस द्वारा संस्कृति और सृष्टि का भी परिवर्तन हो सकता। ये बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक और लोगों को कल्याण करने वाला है जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, जो इसका उद्देश्य है, और जिस प्रकार से इसका पालन होता है और ये जो हमारी संस्था है ये कई जगह है उपस्थित है, केवल इसीलिए है कि इसमें धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य और ज्ञान कार्य के लिए ही प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ मैं देखता हूँ, जहाँ गया हूँ, तहाँ इसी प्रकार से है। इसके संग्रहालय के माध्यम द्वारा, अभी शिक्षा भूमि के माध्यम द्वारा हम सभी कर रहे हैं। इसका बनाने में, इसका इतिहास रचने में ऐसी श्रेष्ठ दृश्य के साथ साथ अनुभव कराने के लिए जो निमित्त बनी हुई सभी बहनों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। अपना अमूल्य समय जो आपके जीवन का है, उसमें से थोड़ा समय निकाल करके अपने भविष्य के लिए और वर्तमान जीवन को में भी सुख शांति प्राप्त करने के लिए प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आप अवश्य इस संग्रहालय में आएं। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, राजयोग कक्ष और विविध अत्याधुनिक बातों से सुसज्जित इस भवन का सभी अतिथियों ने अवलोकन किया। आगे 108 बीके सदस्यों का सम्मान भी किया गया। बीके जयंती ने सभी को परिवार में रहते हुए सामाजिक के साथ आध्यात्मिक दायित्व के निर्वहन करने वाले सदस्यों को बधाई दी। नेपाल की उप निदेशिका बीके परिणीता, क्षेत्रीय प्रबंधक बीके दीपेंद्र, बीके सोमा, बीके कमला, बीके दुर्गा, मुख्यालय से संस्था के PRO बीके कोमल समेत कई विशिष्ट बीके सदस्य भी उपस्थित रहे। विदेशी मेहमानों का करनाल में भव्य स्वागत सत्कार। हरियाणा करनाल स्थित सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर हाल ही में जर्मनी और USA से विशेष विदेशी मेहमानों का स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन विदेशी मेहमानों के आगमन पर सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाकर एवं मुख मीठा कर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने सभी का मिरेकल ऑफ मेडिटेशन और इटर्नल सोल विषय पर ध्यान खिंचवाया, साथ ही सदा खुश रहने के कुछ टिप्स भी दिए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने आत्मा परमात्मा का परिचय देते हुए संस्था का संक्षिप्त में परिचय दिया। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। जीवन में करें संकल्प शक्ति का प्रयोग। भय को शक्ति में परिवर्तन करने के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग तथा खुशनुमा जीवन जीने की कला, इन दो सुंदर विषयों को लेकर महाराष्ट्र औरंगाबाद के सिडगो N2 स्थित शिव शक्ति भवन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में संस्था के व्यसन मुक्ति अभियान के निदेशक बीके डॉक्टर सचिन परब ने सभा को विषय के तहत मार्गदर्शित किया। छत्रपति संभाजीनगर की प्रभारी बीके शीला, N2 सिडको सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता एवं अपर जिलाधिकारी अन्ना साहेब की मुख्य उपस्थिति में यह आयोजन सफल रहा। इस कार्यक्रम का 1000 से भी अधिक लोगों ने लाभ लिया। परमात्मा को पहचानना, स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी है।
अगर इस पहचान के हम याद करते हैं तो हमारे सामने कभी भी ऐसी डिप्रेशन जैसी परिस्थिति नहीं आ सकते और हम भी सुखी रह सकते, अनेकों को सुख का रास्ता बता सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी इस कार्यक्रम में आए हो, ईश्वर को स्वयं को पहचानो, परमात्मा को पहचानो और अपना जीवन सुख शांति में बनाओ, ये हमारी इस कार्यक्रम के लिए शुभ भावना है। CRPF माउंट आबू द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन के RJs को आमंत्रित किया गया, जिसमें BK कृष्णा और BK सुभाषोई मुख्य रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर DIG सुधांशु सिंह, DIG BS राठौर ने महिला दिवस पर रेडियो मधुबन के माध्यम से संदेश दिया तथा CRPF के महिला मेडिकल ऑफिसर्स ने यूनिफॉर्म में महिलाओं की गरिमा सुरक्षा को बयां किया और कैसे CRPF एम्ब्रास इक्वालिटी को दर्शाता है इस पर प्रकाश भी डाला तथा भारत की बेटियों को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।